अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरोज के ब्लॉग में। तो आज अम्मी क्या आप लोग के साथ शेयर करने वाले। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ क्राफिक मार्केट जो बॉम्बे में है। और अगर आप बॉम्बे के बाहर रहते हैं तो आप अपने इधर से वो सब सामान खरीद लेना, या नहीं तो दो तीन दिन का टाइम है तो आप लोग बॉम्बे आके क्राफिक मार्केट से भी ले सकते हैं सारा सामान। हाँ। तो जैसे कि हमें जो इफ्तार के लिए जो चीजें लगेगी, जैसे कि खजूर लगेगा, खीमे के समोसे की पट्टी लगेगी, रोल की पट्टी लगेगी, और जैसे कि और बहुत से जैसे कि चीज हो गया और मोइनीस हो गए, और ऐसे बहुत सी वहाँ पे चटनी वगैरह मिलती है। रमजान में लगने वाले सारे सामान, सारे चीजें जो रमजान में आपको मतलब हम लोग को या कि आप लोग को भी एक महीने में जो चीज वो रेगुलर यूज होती है। हाँ। तो वो सब चीज क्रॉफिट मार्केट में मिलती है। तो आज हम लोग सो सब चीज आप लोग को एक्सप्लोर करेंगे, सब चीज दिखाएंगे कि अम्मी क्या क्या चीज ले रहे हैं। तो ये आप भी जाके ले सकते हैं। और होलसेल है वहाँ पे, होलसेल में मिलता है, वहाँ से ही सारी दुकानों में माल जाता है, सप्लाई होता है, सप्लाई होता है। तो मैं क्राफिक मार्केट जाके लेती हूँ, वहाँ पे बहुत तरह तरह के हर एक आपको केचप मिलेंगे, सब बहुत सी सामान मिलती है, ड्राई फ्रूट भी मिल जाते हैं। तो अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो जल्द से जल्द क्राफिक मार्केट जाके शॉपिंग कर लीजिए रमजान की, क्योंकि आपकी आपा तो जा रही है। और मैं क्या क्या लेने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने क्या ली हूँ। अभी खीमे के समोसे की पट्टी घर में भी बना सकते हैं, मगर हम रमजान में इबादत करना रहता है हमें, और अपनी फैमिली पे भी हमें ध्यान देना रहता है, और हमारे घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी समोसे की पट्टी घर में नहीं बनाती हूँ, मैं रेडीमेड ही लेके आ जाती हूँ। एकदम बराबर, एकदम। तो आप लोग भी रेडीमेड ही लेना, अच्छी मिलती है। निकलने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अम्मी की तबीयत खराब है। अम्मी ने कल शाम में ही जाके दवा लेके आए। अम्मी को बहुत खांसी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, फिर भी मम्मी आप लोग के लिए क्रॉफिट मार्केट जा रहे हैं कि रमजान नजदीक है, अभी मैं बैठ जाओगे घर में तबीयत खराब है बोल के, तो फिर आप लोगों को वीडियो देखने नहीं मिलेगा, आप लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी कि रमजान में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो उसके लिए मम्मी उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मम्मी की तबीयत सही में खराब है, अम्मी की आवाज से लगता रहेगा आप लोगों को कि अम्मी को मतलब थकान बहुत हो गई, आराम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह अम्मी को अब रमजान के बाद 15 दिन की ट्रिप पे लेके जाएगा बाहर। चलिए सबसे पहले जाते हैं क्रॉफिट मार्केट में, मिलते डायरेक्ट आपको। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्रॉफिट मार्केट, और मम्मी चले गए आगे आगे फटफट अंदर, क्योंकि लेट हो रहा था, क्योंकि इधर क्रॉफिट मार्केट में जल्दी दुकानें बंद हो जाती है। तो देखो ये है क्रॉफिट मार्केट, ये क्रॉफिट मार्केट में भी हम लोग जाते हैं अंदर, फिर अम्मी क्या ले रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। फिर देखिए अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो आपको क्रॉफिट मार्केट मालूम रहेगा, अगर आप नहीं रहते तो ये देख लिए, ये CST स्टेशन से उतर के आप लोग आएंगे, किसको भी बोलेंगे टैक्सी वाले क्रॉफिट मार्केट तो कोई भी छोड़ देगा। तो गाइस यहाँ से मम्मी अभी ले रहे हैं सामान, मम्मी का चालू हो गया है सब खरीदी करना। यहाँ पे मम्मी ने चीज़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा की रोटी, शोरमे की रोटी, वो सब है इधर। ले अशरफ, यहाँ से अम्मी ने मेयोनीज ले रहे हैं, सब सॉस ले रहे हैं, जैसा ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ऐसा भी यहाँ पे मिलता है। मम्मी आए हैं ये शॉप में, बॉनबॉन शॉप का नाम है, बॉनबॉन चॉकलेट हाउस प्रॉफिट मार्केट में इनका शॉप नंबर है 462 और 463 सेकेंड लेन में है इनसाइड प्रॉफिट मार्केट। तो ये देखिए यहाँ से मम्मी सब सामान खरीद रहे हैं। अभी अम्मी ने लिए है कस्टर्ड पाउडर, तो चलिए गाइस मैं आ गई क्राफिक मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके, और मुझे आते आते काफी लेट हो गया, जैसे कि 1 से 2 बज गए थे। तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाई कि मैंने क्या क्या ली हूँ, मगर कौन सी दुकान से ली हूँ वो आसिफ ने शूट कर लिया है, उनका शॉप नंबर भी है उसके ऊपर, आप उधर जाकर ले सकते हैं, अच्छी वैरायटी होती है उनके पास में। तो देखिए मैंने क्या क्या सामान ली हूँ, है ना बराबर। तो अभी ये सारी चीजें हमें लगेगी इफ्तारी में,
है ना। अब हम रोजे रखते हैं, इबादत भी करते हैं और एक से एक चीजें बनाकर भी खाते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से हर एक इंसान को नवाजे और इसी तरह से हर एक इंसान को दे, है ना। और चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्या पहले क्या क्या चीजें ली हूँ वो आपको बताती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे ये मसाले से। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह के मसाले जो है ना वहां पर मिल जाते हैं पैकिंग वाले, जैसे कि ये जीरा पाउडर हो गया, काली मिरी पाउडर हो गया, यहाँ वहां से मैंने ये ली हूँ, क्या थे, कॉर्नफ्लावर ली हूँ मैंने, मैदे का आटा ली हूँ मैंने, ये देखिए ये मैंने ली हूँ, ये मिल्क पाउडर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये कुछ मस्त एक मसाला है, ये सिजलर है, ये आप किसी के ऊपर भी डालकर खा सकते हैं। और ये देखिए इधर पे भी एक मसाला है, ये तंदूरी टिक्का है, मलाई टिक्का है, ये फ्राई राइस मसाला है, ये चिकन पाउडर और ये चिकन 65 और ये चिकन प्यारी प्यारी मसाला, बराबर चिकन प्यारा प्यारा मसाला, प्यार से बनाना, अपने घर वालों को खिलाना, है ना। हाँ। और वहां से मैंने ली हूँ ये चीज। हाँ। है ना, इस तरह के क्यूब में भी ली हूँ, इस तरह से स्लाइस में भी ली हूँ, और इस तरह की मैंने पूरा पैकेट भी ली हूँ, क्योंकि रमजान में चीज ज्यादा लगती है। और रमजान में हमें ये समोसे की पट्टी, ये छोटी वाली मीने समोसे बनाते हैं ना, मिनी समोसे, वो वाली पट्टी है। और ये वाले हम जो बड़े बनाते हैं खीमे के समोसे, उसकी पट्टी है, ये रोल की पट्टी है, और ये शोरबे की रोटी वहाँ से मैंने रेडीमेड ली हूँ, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम खीमे के समोसे की पट्टी या शोरबे की रोटी वो सब हम घर में बना सके। मैं नहीं बनाती हूँ गाइस, आता तो है मुझे मगर मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता है ना। कॉफी पाउडर ली हूँ मैंने वहां से। हाँ। ये मैंने ली हूँ कुछ फालूदा है, देख सकते हैं आप लोग, मस्त रेडीमेड फालूदा है। इसको कैसे बनाने का मैं आप लोगों को बता दूंगा, जरूर बताएंगे। ये इसके अंदर सब रेडी रहता है, सब रेडी है, सारी दूध में डाल के गर्म करने का है। कस्टर्ड पाउडर ये वाला एक इंडियन वाला ली हूँ, एक बाहर वाला ली हूँ मैंने कस्टर्ड पाउडर। चिल्ली फ्लेक्स ली हूँ मैंने वहां से रेडीमेड, जिसे यहाँ रख देती हूँ। ये बच्चे लोग के लिए ली हूँ, क्योंकि आतिफ अशरफ जिम जाते हैं तो उन लोग ये सुबह में सहरी में एक चम्मच खा लेंगे तो उन लोग हेल्दी रहेंगे, बराबर है ना। क्या मिलता है इसका, प्रोटीन मिलता है इसमें, सब ड्राई फ्रूट है और शहद है, देखिए आप लोग। हाँ। देख सकते हैं, क्योंकि इन लोग माशाल्लाह मेरे बच्चे रमजान में पूरी तरावी भी होती है, पूरी तरावी पढ़ते हैं, 7 दिन की भी तरावी मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आसिफ और अशरफ मेरे 7 दिन की जो तरावी होती है वो पूरी पढ़ लेते हैं। क्योंकि और फिर बाद में कैसा होता है, हमें कहाँ का प्रमोशन आता है या कहीं पर जाना आता है, तो बच्चे मेरे फिर वो बीच पे की अगर कभी तरावी छूट भी गई, 1 महीना भी हम पढ़ सकते हैं पूरा तरावी, और जिनको कुछ काम आता है तो वो 7 दिन की भी तरावी पढ़ सकते हैं, बराबर। तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और उसी के साथ में मैंने वहां से ये ली हूँ अमूल का फ्रेश क्रीम। कितना डब्बा लिए, ये मैंने ली हूँ 6 डब्बा, 3, 4, 5, 6, दो डब्बा रखा है फ्रिज में। हाँ। 2 डब्बा तो 8 डब्बा हो गया टोटल। और ये मैंने काला नींबू ली हूँ, जैसे कि हम कभी मंदी वगैरह बनाएंगे तो ये घर के लिए भी काम आ जाएगा, और हमें इफ्तार के लिए भी मंदी कभी बनाऊंगी तो काम आ जाएगा। ये मोजिटो ली हूँ मैं, हम लोग मोजिटो रमजान में पीते ही अच्छा लगता है हम लोगों को। और ये मैंने ली हूँ जेली, जैसे कि हम कुछ भी कस्टर्ड वगैरह बनाए या कुछ भी बनाए तो उसमें काम आ जाती है ये जेली, और ये हमारा तो फेवरेट है, सबसे फेवरेट है ना, कैरेमल कस्टर्ड। 3 पैकेट फ्रिज में रखा हुआ है, और 3 और ली, फिर बीच में बॉम्बे जाके और ले लूंगी। ये बच्चे लोग ने ये 4 से 5 बाटली लिए थे, पी लिए, अभी 2 ही बची हुई है। उसी के साथ में ये बिस्किट का पैकेट उन्होंने गिफ्ट दिए हमें, बराबर। और ये मैंने ये ली हूँ, ये बिस्कॉफ स्मूथी है। हाँ, तो इसका अभी ट्रेंडिंग में केक बहुत चल रहा है, डेजर्ट और केक चल रहा है, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। चीज केक भी बोलते हैं, चीज डेजर्ट भी बोलते, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। इसका ही सेम बिस्किट भी ली हूँ मैंने। हाँ, ये देखिए बिस्कॉफ बिस्किट। ये मैंने मैगी क्यूब ली हूँ, यानी चिकन क्यूब। हाँ, ये इम्पोर्टेड है। हाँ, ये बाहर का है। ये तो ये पूरा बॉक्स ले ली, सस्ता पड़ता है, दाल में या चिकन में काय में भी डालने काम आ जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे ये कौन सा है, फिर ये व्हाइट चीज ड्रेसिंग है। हाँ, इसमें चीज और मोयनीज दोनों मिक्स है, मतलब चीज और मोयनीज दोनों। हाँ, मिक्स है इसमें, ये पैकेट है, जैसे कि हमें अलग से मोयनीज लेके अलग से चीज मिक्स करके जो हम बनाते हैं ना, वैसा बनाने की जरूरत नहीं, हमें ये पूरा रेडीमेड ही मिलता है वहाँ पे। हाँ। तो आप रेडीमेड लेना। ये तंदूरी ये है स्प्रेड, मतलब ये तंदूरी वाला मोयनीज है। हाँ, और ये सिर्फ मेयोनीज है, एगलेस मेयोनीज। हाँ। एगलेस ही वाला लेना, एग वाला लेंगे ना तो उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है, और
अंडे वाला लेंगे तो खट्टापन रहता है, विदाउट अंडे वाला लेना वो खाने में टेस्टी रहता है, बराबर है ना। और वो ब्रेड क्रम्स की पैकेट बना दे, ये ब्रेड क्रम्स है, ये पूरी 1 किलो की ब्रेड क्रम्स की पैकेट ली हूँ। हाँ बराबर, मुझे अभी घर में बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है माशाल्लाह, मुझे इतने काम रहते हैं रमजान में कि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। और ये देखिए ये दोनों चटनी है, हाँ ये चटनी है पिज्जा और पास्ता सॉस है ये, और ये है पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी केचप, ये भी हो गया, दो इसको साइड में रख दो। ये मैंने ली हूँ केसर, बराबर है ना, केसर, ये ओरिजिनल केसर ली हूँ मैंने। और उसी के साथ में ये कुछ चॉकलेट है जो उन्होंने गिफ्ट दिए हमें, जिनकी दुकान से मैंने ये सारा सामान ली। और ये भी कुछ चॉकलेट है उन्होंने गिफ्ट दिए थे, बच्चे लोग ने खोल के खा लिए। उसी के साथ में ये मैंने ली हूँ जो हम बनाते हैं ना हुनाफा की जो क्रीम जो अंदर भरते है ना वो रेडीमेड अभी बनकर आ चुकी है गाइस, सिर्फ आपको सेवई लेना है और सेवई के अंदर इसे रख के बनाना है। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको रमजान में बताऊंगी, अभी मैंने दो ली हूँ टेस्ट के लिए, इसका टेस्ट कैसा है देखने के लिए, अगर अच्छा रहा तो मैं और लेके आऊंगी। हुनाफा हमारे घर में सबको पसंद है माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने खजूर ली हूँ देख सकते हैं, तो खजूर मैंने इतना ही ली हूँ क्योंकि मैं अभी इवेंट में गई थी तो मुझे बहुत सारे खजूर गिफ्ट में आए हैं, तो वो खजूर हम लोगों को हो जाएगी, 1 महीना चल जाएगी आराम से। उसी के बाद में ये मैंने ली हूँ विनेगर, ये चिल्ली सॉस ली हूँ मैंने, ये वो रेड चिल्ली सॉस थी, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ये दोनों भी ली हूँ मैंने, सोया सॉस फ्रिज में रखा है, फ्रिज में, अच्छा। और ये टैंक ली हूँ मैंने, हाँ बराबर है ना, हाँ। तो अभी इतनी सारी चीजें मैंने ली हूँ, कांडी हाँ, और ये ली हूँ मैंने कांडी, छोटी छोटी सी कांडी ली हूँ, कांडी गोश्त, सीखे कांडी कबाब और वो चिकन साठे भी कांडी लगती है ना, वो सब बनेगा। देखे मेरे बच्चे को कितना मालूम पड़ गया अभी है ना, और मेरे आसिफ के एग्जाम भी चालू होने वाले है ना, बराबर बच्चे मेरे तराबी भी पढ़ेंगे माशाल्लाह, मम्मी को सपोर्ट भी करेंगे और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कम्प्लीट करेंगे और करते है मेरे बच्चे है ना, बराबर। तो चलिए ये सब चीजें तो आप लोगों ने देख ली, ये सब खाने पीने की चीजें थे, इसे मैं उठा के पहले सेट कर देती हूँ। हाँ मैंने एक मस्के के पैकेट भी ली हूँ, और ये तो ये मैंने ली हूँ चीज, हाँ देखो ये क्रीम चीज है, क्रीम चीज हाँ। इसी का केक बनेगा, मैं हाँ। आपको बनाना बताऊंगी, बहुत इजी है ये सामान, सिर्फ आप ट्रैफिक मार्केट से खरीद लेना, देखिए ये खरीद लेना एक, और ये जो ये क्रीम खरीद लेना है ना, और क्या खरीदना बताती हूँ, ये वाला एक डब्बा खरीद लेना, बिस्कॉफ स्मूथी और ये बिस्कॉफ बिस्किट और बटर, हमें बटर भी लगेगा ये बनाने के लिए, तो मस्का तो सबके घर में मौजूद होता है, तो आजू बाजू की दुकान से ले लेना। तो इसका मैं एक बहुत ही अच्छा केक बनाऊंगी और एक डेजर्ट भी बनाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, बताऊंगी जब आप लोगों को बनाऊंगी है ना। अभी तो आप लोगों ने मेरे जो घर में लगने वाले इफ्तारी में लगने वाले सारे सामान देख लिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने घर में शो पीस के लिए लेके आई हूँ है ना, बराबर, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखिए वो है सामान, ये सब देखिए मैंने सब शो पीस के लिए ली हूँ, जैसे कि रमजान में लगाने के लिए और जो कुछ यूज करने वाली भी सामान है, तो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये दो खूबसूरत से पॉट एक जैसे मैंने ली हूँ है ना, ये किचन में चाहो तो किचन में भी लगा सकती हूँ मैं, और उधर चाहो तो उधर भी लगा सकती हूँ, हॉल में बेडरूम में आपको जिधर चाहिए उधर आप लगा सकते हैं, इसको कहाँ पर लगाना है, बराबर। और उसी के साथ में एक ये भी ली हूँ मैंने, संतरे का झाड़ और एक ये ली हूँ मैंने, ये मैं किचन के पास रखूंगी, बराबर किचन के पास रखूंगी, ये अच्छा लग रहा है किचन के पास। और ये मैंने एक कप ली हूँ है ना, कप नहीं ये टी कप केटली है बेटा, केटली में भी ऐसा शो पीस है, तो ये भी मैं किचन में ही रखना पसंद करूंगी, बराबर। और ये कुछ इस तरह की डिजाइन वाली केटली है, ये भी चाय की केटली है, हाँ आपको यूज करना तो यूज भी कर सकते हैं, इसमें छन्नी वगैरह सब लगी है, मस्त और शो पीस में रखना है तो आप इसे शो पीस में भी रख सकते हैं, डिजाइन अच्छी बनी है, डिजाइन अच्छी बनी है मतलब गांव की डिजाइन है कोई। और ये दो मैंने ये ली हूँ ट्री, तो ये मैं दोनों भी नीचे लगाऊंगी, हाँ। जो है ना बॉक्स उसके अंदर जिधर कलामपा की पेटी रखी हुई है, बराबर। और उसी के साथ में इस तरह की कुछ खूबसूरत से ये ली हूँ मैंने, बास्केट है, इसके अंदर हम फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, तो ये मैंने रेडीमेड फ्रूट ली हूँ, आर्टिफिशियल इसमें रखूंगी मैं, अच्छा लगेगा। और इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं, अंडा वगैरह कुछ रखना है या शो का कुछ भी सामान रखना है, तो ये इसमें मैं अंडे रखूंगी है ना,
और ये देखिए ये भी कुछ काम, ये इफ्तारी में हम लोग इसमें खजूर रखेंगे, ये छोटा सा लियो मैंने 30 रुपए का है। और ये भी मैंने कुछ इतना खूबसूरत सा ये लियो, इसके अंदर भी हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह भी रख के पीछे बाजू रख सकती हूँ मैं, और इसमें भी कुछ भी सामान रख सकती हूँ। एक नंबर है ना, मस्त। ये मैंने अपने बैकरूम में लगाने के लिए ये लियो, इसके अंदर थोड़ा सा बकूल डाल लेंगे तो खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर मैं उसके अंदर ये खुशबू का बकूल ली हूँ मैंने, और ये मैजिक कोयला भी ली हूँ जो हम लोग नीचे हॉल में लगाते हैं लोबान उसके लिए। ये इतर है, बच्चे लोग नमाज जाते हैं तो मेरे इतर हमेशा लगते हैं, और जुम्मा के दिन इतर सब घर में लगाते हैं, इतर और सुरमा। जुम्मा कोई नमाज नहीं पढ़ते मेरे बच्चे, मेरे बच्चे जब जब टाइम मिलता है तब भी जाके नमाज बरोबर पढ़ते हैं, और मगरिब की नमाज मेरे बच्चे हमेशा पढ़ते ही है। और ये मैंने ली हूँ लोबान, ये खुशबू वाले लोबान है, अभी एक नीचे जाकर लगाऊंगी मैं। और साथ ही में ये कुछ फ्रूट है, आर्टिफिशियल फ्रूट है, इसमें बनाना है, कैरी है, संतरा है, एप्पल है, कीवी है, कीवी है, चिड़िया का मतलब घोंसला, ये चिड़िया का घोंसला लिया मैंने, ये चिड़िया का घोंसला लिया। ये सब कैसा ना किचन में जब अच्छा लगेगा, जब शूट के समय कुछ अलग अलग रहेगा ना तो अच्छा लगता है। ये हमने जग लिए है, इसमें पानी पीना, पानी पियो, मगर मैं टैंक बनाते हैं हम लोग रमजान में, तो टैंक भी बना सकते हो, कुछ वो मॉकटेल शरबत भी बना सकते, फ्रूट व्रूट काट के बनाते ना वैसा वाला। ये ली हूँ मैंने, उसके साथ में ये पक्कर है, पक्कर था ना, खराब हो गया ना बेटा, वो जूना हो गया ना, नया पक्कर, नए किचन में नया पक्कर रखेंगे ना। और ये सलाइन ली हूँ मैंने छोटी छोटी सी, कांडी गोश इसके लिए, ये भी काम आ जाती है कभी कभी, बराबर। तो ये मैंने ले ली, कभी लकड़ी खत्म हो जाती है तो मैं इसी से काम चलाती हूँ, है ना। ये मैंने जूती ली हूँ घर में पहन के चलने के लिए, ये बहुत सॉफ्ट है क्योंकि मेरे पांव ज्यादा जमीन पे रखती हूँ तो मेरे पांव की हड्डी बढ़ गई है, तो उसी वजह से डॉक्टर ने सॉफ्ट चप्पल पहनने बोले। एक मम्मी उधर देखो यूज कर रहे निकाल के, मस्त एकदम ब्लैक वाला। डस्टबिन की थैली ली हूँ मैंने, है ना, और उसी के साथ में एक डस्टबिन भी ली हूँ यहाँ पे मैंने, बराबर। ये जो नीचे हॉल में रहेगा, हॉल के लिए, हॉल के लिए डस्टबिन। और ये देखिए कुछ शोपीस ली हूँ मैंने, मस्त, एक नंबर। रमजान का महीना मुबारक हो, कुरहा का महीना मुबारक हो, है ना। रमजान में लगेगा वो, बता, चांद है सिर्फ, इसके अंदर भी लगाने का हम लोगों को, मैं इसमें ना बनवाने वाली हूँ, इसके अंदर फोटो बनाऊंगी रमजान, ये फोटो हम लोग निकाल देंगे, और इसके जगह हम लोग लगाएंगे गोल में ऐसा रमजान मुबारक लगा के, लाइट जलती है नीचे, बटन नहीं है, बटन नहीं, हाँ ऊपर वो ऐसा हल्का सा प्रेस करो ऊपर, नहीं नहीं सर वो गोल गोल बना ना अंडे जैसा उसको, हाँ आ देखो माशाल्लाह, अच्छा दिख रहा है ना, जबरदस्त। ये दोनों ऐसा आजू बाजू, हाँ ये मैंने ली हूँ टिश्यू पेपर, हाँ है ना, ये बाथरूम के पेपर नहीं है, हाँ ये मतलब किचन के पेपर है, इस किचन के अलग रहते हैं, बाथरूम के अलग होते हैं, है ना। तो ये मैंने ली हूँ रैपिंग बैग, रैपिंग बैग, जिसकी रेसिपी आप लोगों को, जैसे कि कुछ मैं इफ्तारी बताने वाली हूँ, जो जॉब पे जाते हैं या जिनको टाइम नहीं मिलता है तो इफ्तारी बनाकर स्टॉक करके कैसा रखे एक महीने का 15 दिन का, तो उसकी वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग मुझे अफरोज किचन पे फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में बहुत जल्द आने वाली मिल जाएगी। ये पैकिंग बैग लेके आई हूँ, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या आप अगर क्राफिक मार्केट से लेंगे तो क्राफिक मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे, बराबर। और ये टिश्यू पेपर है, ये टिश्यू बॉक्स जो है ना, ये मुझे नीचे हॉल में भी काम आता है और कभी कभी किचन में भी काम आ जाता है, और जैसे कि रमजान में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं जब ऑयली कोई भी चीज बनाती हूँ तो निकाल कर मैं टिश्यू पेपर के ऊपर ही रखती हूँ। और मेरी जो कार है, मेरे पास कार भी है, फोर व्हीलर में भी मैं रखती हूँ, है ना, पीछे रखते हैं मतलब डिग्गी के पीछे, तो अच्छा लगता है। कभी मेरे कार के ऊपर भी वीडियो बना दिया करो कोई ना कोई, इसके पास में फोर व्हीलर भी है करके, है ना, बराबर। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली है, एक फोटो और एक फोटो बाकी है, और जो मैंने इसमें ताने तुमने मारी हूँ वो जो वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे ये ताने तुमने हमारे लिए ही है ना। बस इसी तरह से अल्लाह ताला मुझे नवाजते रहे, इसी तरह से मैं बस शॉपिंग करती रहूँ, ईद के कपड़ों की शॉपिंग करूँ, रोजे की शॉपिंग करूँ, है ना,
और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोग को भी अल्लाह पाक नवाजे। आप लोग भी शॉपिंग करो, आप लोग भी रोजे की शॉपिंग करो, प्री रमजान की शॉपिंग करो, बराबर। आमीन आमीन। अल्लाह सबको दे, मेरे चाहने वालों को भी दे और मुझ पे जलने वालों को तो सबसे पहला दे, बराबर। तो मैंने एक ग्रेस पी ली हूँ। आफिफ मुझे बोल रहा था मम्मी पहले रोजे के दिन तुम एक ग्रेस पहन लो, तो मैंने ये चॉकलेटी कलर का ग्रेस ली हूँ। तो ये पहनती हूँ क्या व्हाइट पहनती हूँ अभी मुझे पता नहीं है, मगर ये कहाँ से ली हूँ मैंने आफिफ, ये जियाज डिजाइन से लिया अम्मी ने, बहुत अच्छा, बहुत जल्द। हाँ देखिए उनकी थैली भी है, ये देखिए उनकी थैली है। आप लोग देखे रहेंगे बॉम्बे में काफी फेमस शॉप है ये, इनकी दो तीन खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है वो, इनका खुद का ब्रांड है, इनका खुद का लोगो है सब ये। हाँ बराबर। तो इनके पास में आपको होलसेल में भी मिल जाएंगे और एक पीस या दो पीस में भी मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मतलब जो रमजान की राशन हम लोग ने भरे, राशनिंग हो चुकी है। और यहाँ पे मम्मी ने ये सब डेकोरेटिंग का सामान जो लोहार चाल से लिए वो सब चीज, और ये सब डेकोरेटिंग हम लोहार चाल से लिया हम लोग ने। हाँ, बॉम्बे में लोहार चाल काफी फेमस है, क्रॉफिट मार्केट के जस्ट सामने ही है, अपोजिट में ही है लोहार चाल। आप क्रॉफिट मार्केट खड़े थे, किसको पूछेगा लोहार चाल के इधर, तो बोलेगा देखो सामने ही है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे जाके आप लोग ये सब सामान ले सकते है। तो रमजान अभी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, 5-6 दिन में, 5 दिन बाकी है शायद हम लोग का ये वीडियो कल अपलोड होएगा। तो उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे से शायद पहला रोजा है, ठीक है। तो बराबर 6 दिन बाकी है रमजान को। जो जो मम्मी ने मतलब आप लोग को दिखाया क्रॉफिट मार्केट जो सामान लिया, तो सामान आप लोग ध्यान से जाके ले लेना, ठीक है मम्मी। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा ये इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे अफ्रो रेसिपी ब्लॉग को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।